नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी .com और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शालिका ठाकुर, लेकर हाजिर आपके लिए खास कार्यक्रम। जी हां, हम आपके लिए लेकर आए हैं खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। तो सबसे पहले हम आपको इस कार्यक्रम के दौरान बताएंगे आज के इतिहास के बारे में, हिस्ट्री ऑफ द डे, क्या कुछ खास हुआ था आज के दिन। उसके बाद हम आपको अवगत करवाएंगे आज की टॉप 7 न्यूज से, और आखिर में हम आपको बताएंगे आज का ज्ञान, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके मन में उठा होगा, तो आज आपको उस सवाल का जवाब मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं इतिहास के साथ। तो आज के दिन 1858 में अमेरिका ने स्पेन के प्यूर्टो रिको को अपने कब्जे में ले लिया था, और 1972 में आज ही के दिन पहले बहुदेशीय हेलीकॉप्टर SA-315 का बेंगलोर में परीक्षण हुआ था। 1980 की बात करें तो आज ही के दिन हिमालय कार रैली को मुंबई में आयोजित किया गया था। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। 1998 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे को रोकने की सहमति जो थी वो आज ही के दिन बनी थी। 2004 में क्यूआत चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया था, आज के दिन ही वीरप्पन को मारा गया था। और आज ही के दिन 2007 में 8 वर्षों के बाद बेनजीर भुट्टो अपने वतन पाकिस्तान लौटी थी। तो ये कुछ था आज की प्रमुख घटनाएं जो इतिहास के बारे में हमने आपको बताया। अब आपको लेकर चलते हैं आज की टॉप 7 खबरों के बारे में आपको बताने के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। बिहार की सियासत की एक हकीकत ये भी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर 70 सीटों पर जाति बनाम जाति का मुकाबला चल रहा है। ऐसे तो प्रत्याशी योग्यता के आधार पर तय किए जाते हैं या फिर सेवा के आधार पर तय किए जाते हैं। ये दावा राजनीतिक दल कई बार करते हैं, कई बार नहीं हमेशा ही करते हैं। 243 सीटों की विधानसभा में 70 सीटों पर जाति विशेष के प्रत्याशियों के खिलाफ उसी ही जाति के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जाता है और उतारा गया भी है। तो ये दावा जो है इस बात से बिल्कुल खोखला हो जाता है। चुनावी विश्लेषक जो हैं लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि ये जो चुनाव हैं वो पूरी तरह से परिवारवाद, भाई जातिवाद, क्षेत्रवाद पर निर्धारित हैं। 21वीं सदी में आधुनिक भारत के ये हाल है। जातिवाद का ये कीड़ा हमें अब तक काट रहा है। ये वही राजनीतिक दल हैं जो बात बात पर कहते हैं हम सब एक हैं, लेकिन बात जब चुनाव की आती है तो हमारे प्यारे दुलारे नेताजी सब भूल जाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं जो है कोरोना से रिलेटेड, COVID-19 से रिलेटेड अगली हमारी खबर है। ये COVID-19 के चलते सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को उबारने की बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सामने है। कोरोना महामारी COVID-19 के चलते गंभीर रूप से सारी दुनिया आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। चाहे विकसित देश हो, गरीब देश हो, चीन हो या कोई और, इस बीमारी से हम सबको जूझना पड़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बताया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 10.5% जो है वो सिकुड़ सकती है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। अगर इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं संभाला गया तो ये अकेले नहीं डूबेगी, साथ में हम सबको भी लेकर डूबेगी। वहीं अगली खबर हैदराबाद से है। हैदराबाद में तेज बारिश का कहर जो है वो लगातार चल रहा है और अगले 6 दिन तक भी बारिश होने की पूरी संभावना वहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताई है। हैदराबाद में अगले 6 दिन बारिश पड़ सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है कि तेलंगाना में तेज बिजली और बारिश की संभावना है। हाल ही में बता दें कि तेलंगाना में बाढ़ के कारण 50 लोगों की जान चली गई। ऐसे में बारिश का अनुमान यहां के लोगों की चिंता और बढ़ा सकता है। तो जैसे कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो हैदराबाद और इसके आसपास रहने वाले लोग भी अलर्ट हो जाएं, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लें और अलर्ट को ध्यान में रखते हुए अलर्ट हो जाएं। वहीं अगली खबर जो है बेहद दर्दनाक है, एक ऐसी अमानवीय घटना का सबूत है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 1 वर्षीय मासूम बच्ची को काटकर 22 टुकड़े कर दिए, और जब उन्हें बोरी में डालकर फेंकने के लिए वो निकला तो गांव वालों ने उसे दबोच लिया। ये घटना सुनकर ऐसा लगता है कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता। बेहद क्रूर घटना और भयानक घटना, दिल दहला देने वाली घटना।
आखिरकार कोई अपनी ही बच्ची और पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस खबर की सूचना पुलिस ने दी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के पीछे जो कारण है वो पत्नी की बेवफाई को बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे किस्से में मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस एक साल की बच्ची का क्या कसूर था भाई। हैवानियत का ये रूप सच में बहुत दिल दहला देने वाला है। उस एक साल की बच्ची का इतनी बर्बरता के साथ कोई पिता कैसे खून कर सकता है, कैसे उसे मार कर काट कर फेंकने के लिए जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेरिस में धर्म के नाम पर काटा शिक्षक का सिर, बॉलीवुड सितारों ने जताई नाराजगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक शख्स ने अपने बच्चे को इतिहास के पाठ पढ़ाने वाले यानी कि इतिहास के शिक्षक का सर काट दिया, क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बच्चों को दिखाया था और उस पर चर्चा की थी। बाद में हमलावर को पुलिस कार्रवाई में ढेर कर दिया गया, लेकिन इस बात की अब पूरी दुनिया भर में निंदा शुरू हो गई है। और इसी बीच हमारे बॉलीवुड के सितारे जो हैं वो भी खुलकर इस विषय पर सामने आ रहे हैं। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करके लिखा कि ये भयाव है, डरावना है, भयानक है। स्वरा भास्कर ने लिखा कि निःशब्द हो, यानी कि सीधी सी बात है कि ऐसी घटना के बाद किसी के पास भी शब्द तो नहीं होंगे। किस तरह से हम इतनी बर्बरता भरी घटनाओं को बयान करें, शब्द तो कम पड़ेंगे ही। अगली खबर के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में केस दर्ज होने पर कंगना रनौत ने क्या बयान दिया, क्या कुछ कहा कंगना जी ने। कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली चंदेल पर शनिवार को मुंबई की बांद्रा हाई कोर्ट में आदेश के बाद पुलिस में एफआईआर होने पर गुस्साई कंगना ने कहा कि महाराष्ट्र में ये पप्पू सेना जो है इसे मेरे अलावा कोई और नहीं दिखता। ये कंगना ने ट्वीट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। अब कंगना जी पप्पू किसे कह रही हैं ये तो कंगना मैडम ही बता सकती हैं, लेकिन ये जो नोक झोंक है महाराष्ट्र सरकार से उनकी, ये कोई नई बात नहीं है, काफी दिनों से ये चल रही है। बात अब करते हैं खेल जगत की। तो हर हाल में जीतना चाहेंगी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद, दोनों के लिए बेहद जरूरी हैं ये दो अंक। जो आज का मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच, तो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी संभालने के बाद पहले मैच में ही करारी हार का सामना करने वाले इयोन मॉर्गन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ रविवार को यानी कि आज यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मैच में बल्लेबाजी से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेंगे। समर्थकों को भी उनसे काफी उम्मीदें हैं और ये जो मैच है दोनों ही टीमों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होने वाला है, ना सिर्फ टीमों के लिए बल्कि आईपीएल जो है वो टीम का समर्थन करने वाले लोगों के लिए भी काफी जरूरी होते हैं। भारत में आईपीएल के क्रेज के बारे में तो आप जानते ही हैं, हर किसी की कोई ना कोई सिलेक्टिव फेवरेट टीम होती ही है। तो कौन जीतता है आज का मैच, कोलकाता नाइट राइडर्स या सनराइजर्स हैदराबाद, ये तो मैच होने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये मैच रोमांचक होने वाला है क्योंकि इससे जो दो अंक मिलेंगे ये दोनों ही टीमों के लिए काफी जरूरी हैं। चलिए मैच का इंतजार करना होगा उसके लिए आपको। और अंतिम पेशकश, तो अंत में हम आपको बताएंगे, अब तक मैंने आपको सिर्फ बताई अब तक की टॉप 7 न्यूज, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज का ज्ञान। तो क्या है आज का ज्ञान, तो एक सवाल जो अक्सर आपके दिमाग में कभी ना कभी तो उठा ही होगा कि आखिर ऑपरेशन करते समय डॉक्टर नीले या हरे रंग का ही कपड़ा क्यों पहनते हैं, उठा होगा जरूर ये मन में सवाल कभी ना कभी उठा होगा। तो आज आपको इसका जवाब मिलने वाला है। तो सुनिए, कहा जाता है कि पहले डॉक्टरों से लेकर अस्पताल के सारे कर्मचारी जो होते हैं वो पहले सफेद रंग के कपड़े पहना करते थे, लेकिन साल 1914 में एक प्रभावशाली डॉक्टर ने इस पारंपरिक ड्रेस को हरे रंग में बदल दिया, तब से ये चलन बन गया। हालांकि कुछ डॉक्टर नीले रंग के कपड़े भी पहनते हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अस्पताल के जो पर्दों का रंग होता है वो भी हरा या नीला होता है। इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारियों के कपड़े और उनके मास्क भी हरे या नीले रंग के होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हरे या नीले रंग के ही दो रंगों को ही क्यों अस्पतालों में चुना जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। टुडे सर्जिकल नर्स के 1958 में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी के समय डॉक्टरों ने हरे रंग का कपड़े पहनने इसलिए शुरू किए क्योंकि आंखों को ये आराम देते हैं,
अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी रंग को लगातार देखने लगते हैं तो हमारी आंखें जो हैं उनमें अजीब सी थकान महसूस होती है। हमारी आंखें सूरज या फिर किसी और दूसरी चमकदार चीज को देखें तो चौंधी आ जाती हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद अगर हम हरे रंग को देखें तो आंखों को सुकून मिलता है। तो बात यही है कि ये रंग जो हैं वो हमारी आंखों को सुकून देते हैं, तो इसीलिए ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर हरे या नीले रंग के ही कपड़े पहनते हैं। और यही कारण है कि अस्पतालों में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो पर्दे होते हैं या पर वहाँ के कर्मचारियों के जो मास्क होते हैं वो भी हरे या नीले रंग में ही होते हैं। तो ये था आज का ज्ञान, और इसी तरह से कल भी हम आपसे मिलेंगे अपना खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत लेकर। तब तक के लिए अपनी होस्ट और दोस्त शालिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।